वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज मानसी और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि कोरोना के टाइम में कैसी रहेगी डीयू में जिंदगी, आपका डीयू आना सेफ रहेगा या नहीं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं डीयू के अंदर. काफ़ी सारे गर्ल चाइल्ड जो हैं वो मेरे कमेंट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत वरिड हैं कि डीयू भेजना सही है या नहीं क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना. मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी कि दिल्ली में क्या सिचुएशन है, आपको आना सेफ है या नहीं. आप पहले ही बता दो, आप अपने पेरेंट्स को साथ लेके बैठे ये वीडियो दिखाने के लिए ताकि उनके दिमाग के डाउट्स क्लियर हों, ताकि वो अपने बच्चे को सेफली भेज सके. तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा नमस्ते. अगर मैं आपसे बात करूंगी, आपसे भी और आपके पेरेंट्स से भी, ये बैठ के सिर्फ एक चिट चैट है, एक बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, संवाद कर रही हूँ. मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या आना सेफ है या नहीं. देखो, पहली चीज़ अगर मैं दिल्ली की सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, दिल्ली की सिचुएशन इज रियली 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 बैड. इस समय दिल्ली के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई नोन या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई आसपास बिल्डिंग में रहने वाला कोरोना पॉजिटिव नहीं है. ऐसा कोई भी नहीं है. सब हर एक बंदा किसी ना किसी इंसान को जानता है जो उसका नोन है और उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है. मैं भी जानती हूँ, सब जानते होंगे, सबकी फैमिलीज के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, सबके घरों के आसपास चल रही है. मतलब इस समय दिल्ली के अंदर आप लोग अपने जिस भी शहर में आप चले जाते होंगे बाहर तक विदाउट मास्क, बट इस समय दिल्ली के अंदर ये हालात नहीं है कि आप अपने घर के बाहर स्टेप कर दे विदाउट मास्क. इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है. लेकिन देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करा रही हूँ. झूठ नहीं बोलती मैं, हमेशा सच बोलती हूँ, इसलिए मैं आपको सच बोल रही हूँ. डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सच बताना मेरा मकसद है. तो देखो, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मुझे दिल्ली की सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है. आप जिस भी जगह से ये बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आपको शायद नहीं पता होगा कि दिल्ली में जो टीवी पे दिखाया जा रहा है उससे भी बुरी सिचुएशन है, उससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है. हर एक इंसान किसी कोरोना पॉजिटिव को जानता है. मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे इस सिचुएशन के अंदर भेजें. तो देखिए, मैं आप कुछ पॉइंट्स पर अब मैं बात करने जा रही हूँ. पहला पॉइंट ये है कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो बच्चों की हेल्थ को देखकर ही लेगी, बच्चों की को सोचकर ही लेगी. जैसे कि अभी डीयू के फाइनल ईयर वालों के बच्चों के एग्जाम्स को आज कैंसिल कर दिया गया. क्यों कैंसिल कर दिया गया? बिकॉज सिचुएशन नहीं है कि उनको घर से बाहर निकाल के एग्जाम दिलवाए जाए. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो बच्चों के सोच समझ के ही कर रही है. वो नहीं ऐसे करेगी कि जाओ तुम कॉलेज के अंदर जाके पढ़ो. जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी सोच समझ के लेगी. तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपके बच्चों को डीयू भेजना चाहिए या नहीं. रीज़न ये है कि मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली आना ही ना पड़े, आपकी क्लासेस ऑनलाइन लगे. ये कहीं से ऑफिशियल ने नहीं कहा है, ये मैं खुद बता रही हूँ मेरी सोच के हिसाब से. रीज़न मैं आपको बताऊँ, पिछले मार्च से लेके बच्चों की मई तक ऑनलाइन क्लासेस लगी थी जूम पे, मेरी भी लगी थी मास्टर्स की क्लासेस, बच्चों की ग्रेजुएशन वालों की भी लगी थी. तो मेरी पॉसिबिलिटी ऐसा हो कि क्लासेस कुछ दो चार महीने ऑनलाइन ली जाएं और जब सिचुएशन ठीक हो जाए तब आपको दिल्ली बुलाया जाए, तब आपको कॉलेजेस आना हो. ऐसा अभी तक किसी ने ऑफिशियल नहीं कहा है, मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, किसी ने ऑफिशियल नहीं कहा है, ये मेरी सोच है जो मैं सिचुएशन को देख के बता रही हूँ. देखो, और अगर आना भी पड़ा ना तो डीयू में मैं आपको पहले बता दूँ, मैं अपसेट नहीं करना चाहती. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये चीज़, मैं अपसेट नहीं करना चाहती, बट आने वाला एक साल आपका जब फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपका कोई फेस्ट नहीं होगा, कोई सोसाइटीज़ नहीं होंगी, कोई गैदरिंग्स नहीं होगा, आपकी फ्रेशर्स पार्टी नहीं होगी. इसमें सैड फील करने वाली बात नहीं है, ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए है. जो आपके आप सेकेंड ईयर में गए हैं ना, मतलब आप लोग तो फर्स्ट ईयर में आओगे ना, जो आपके सीनियर सेकेंड ईयर में गए उन्होंने भी फेस्ट लाइफ नहीं देखी है. रीज़न की फेस्ट लाइफ जो होती है वो फेब्रवरी एंड मार्च में होती है. फेब्रवरी में अगर आपने सुना हो दिल्ली में दंगे हुए थे, रॉयट्स हुए थे, और मार्च से ही कोरोना चल रहा था, सो सारे इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए थे. इस साल भी कोई फेस्ट नहीं हुए, सोसाइटीज़ के फंक्शंस नहीं हुए, फेयरवेल नहीं हुआ. तो हो सकता है कि आने वाला छः महीने जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा कुछ ना हो और आपको अपने शहर से ही बैठ के क्लासेस अटेंड करनी है. उसमें देखो कुछ बुरा नहीं है, यू आर गेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली की भी सुरक्षा सरकार देख रही है. दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई भी डिसीजन ईजीली नहीं लेती. कोई भी डिसीजन बच्चों की हेल्थ को सोच समझ के ही लिया जाएगा. तो इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सिचुएशन
मत देखिए ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, आपको आना नहीं पड़ रहा, हमारी जैसी जिंदगी नहीं होगी। हम लोग कॉलेजेस में 5-5, 6-6 घंटे धक्के खा के एडमिशन कराते थे, आपको घर से एडमिशन मिल रहा है, आप एडमिशन लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि दिल्ली आना सेफ है या नहीं, जब सिचुएशन ठीक होगी आपको तभी दिल्ली आना है। मे बी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, आपको बाद में पीजी वीजी ढूंढना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेफली एडमिशन लीजिए, आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाइए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया सोसाइटी गैदरिंग नहीं होगी। कुछ लोग मुझसे लैंग्वेज कोर्सेज का पूछते हैं, तो देखिए लैंग्वेज कोर्स इस साल होंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, हर साल होते हैं। अगर होंगे भी तो इज इट सेफ करना, क्योंकि देखो सबको पता है कि इतनी जल्दी सिचुएशन तो ठीक होगी नहीं। अगर कॉलेज ठीक हो चल भी गया आपका धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, तो इज इट सेफ कि शाम को निकल के आप लैंग्वेज कोर्स करो? तो देखो अगर आपके दिमाग में ऐसा डाउट है तो आप अपने सेकेंड ईयर में कर लेना। अगर आप कर सकते हो फर्स्ट ईयर में तो आप फर्स्ट ईयर में कर लो, वरना आप सेकेंड ईयर में कर लेना। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको फर्स्ट ईयर में ही करना है, राइट? आप सेकेंड ईयर में भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल लाइक सिचुएशन, ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, मैंने सिर्फ सच्चाई बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब बच्चों के लिए ये वीडियो, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ डीयू के अंदर कैसे जिंदगी होने वाली है कोरोना के अंदर। डिमोटिवेट नहीं कर रही, मे बी कुछ ना हो, फेस ना हो, सोसाइटी ना हो, एक्सपोजर ना हो, ये सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। यू नो डीयू के काफी सारे कॉलेजेस ने इस बार ऑनलाइन फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया था, तो मे बी यू कैन हैव ऑनलाइन फ्रेशर्स पार्टी। एंड अभी तक देखो हम लोगों का जो, मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर जो डीयू का होता है ना, हम लोगों का जो होता था 20 जुलाई से स्टार्ट होता था एंड अक्टूबर तक होता था। नवंबर के अंदर इंटरनल्स होते थे एंड नवंबर एंड में फाइनल होते थे, दिसंबर तक फाइनल्स चलते थे एंड 1 जनवरी से सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो जाता था। तो इस बार आपका 1 सितंबर से सेशन स्टार्ट होने का मैंने सुना है, ठीक है? अगर 1 सितंबर से हो भी गया तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन बुलाने का तो अभी कोई मतलब नहीं। और अगर ऑफलाइन होता भी है तो मेरे हिसाब से जनवरी से ही होगा ऑफलाइन इस सेमेस्टर, इस साल तो 2020 में तो नहीं होगा। अगर ऑफलाइन कराते हैं तो पूरा सेमेस्टर सिस्टम में भी बदल दे, 6-6 महीने का पूरा सेमेस्टर सिस्टम को चेंज किया जाए, तो वो जनवरी से आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वो 1 सितंबर से कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन करेंगे। फर्स्ट वेस्ट सेकंड थर्ड ईयर में एंजॉय कर लेना, अभी हेल्थ देख लेते हैं, पढ़ाई देख लेते हैं एंड यही आपकी ज़िंदगी होगी। आप शायद 2-3 महीने लेट आओ दिल्ली, लेकिन एडमिशन ज़रूर लेना। एडमिशन के अंदर मत टेंशन लो, एडमिशन आप विदाउट टेंशन लो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको दिल्ली की सिचुएशन या आपकी आने वाली लाइफ के बारे में जान के आपको लगा कि हाँ ठीक है धीरे धीरे थोड़ी सी मेहनत की है, तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना एंड अपने व्यूज जरूर कमेंट करना कि आपके सपने तो नहीं टूटे। देखो सपने होते हैं, टूटते भी हैं, बट आपको सैड नहीं होना, बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या है? हमारी हेल्थ। आप अपने पेरेंट्स के नज़रिए से सोचिए, आपके पेरेंट्स का मेन फोकस क्या है? हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारे बच्चे को दिल्ली कैसे भेजे, वो भी डरते होंगे, राइट? तो आप इस चीज़ को देखिए, सैड मत होइए। यू विल गेट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन योर सेकेंड एंड थर्ड ईयर विद द ग्रेस ऑफ गॉड। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड हम सब फिर से इंजॉय करेंगे, फेस्ट में मिलेंगे भी, गेट टुगेदर करेंगे, मीटअप्स करेंगे, मज़े करेंगे। फेस्ट जब होंगे तो मुझसे भी मिलना होगा। चल लाइक करके जाना, कमेंट कर देना, टेक केयर, स्टे होम, अभी के लिए घर में सेफ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।